ये गाड़ी कॉम्पीट करती है टाटा हैरियर को भी एज वेल एज टाटा सफारी को भी। रियर में आते ही ना भाई ये जो जगमगाता है ना कनेक्टेड टेल लैंप्स, भाई साहब स्पेस का मजा लेना है ना यार, एमजी हेक्टर ले लो आप सुखी रहोगे। हेलो गाइस आप देख रहे हैं सीजन ऑफर कार्स, बिल्ड क्वालिटी वगैरह तो सब ठीक है लेकिन एक फीचर भी होता है ना, लोगों को फीचर्स भी काफी पसंद आता है और आज की गाड़ी में अगर फीचर ना हो, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी में फीचर्स नहीं मिलता आपको तो वो गाड़ी में मजा नहीं आता, सूखा सूखा लगता। क्या बोला तूने? तो भाई अगर आप जानते हैं कि एमजी की गाड़ियों में भर भर के फीचर मिलता है, अगर आपको गाड़ी में थोड़ा सा डायमेंशन ज्यादा चाहिए, स्पेस ज्यादा चाहिए, तो आपको आज के मैं वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ एमजी हेक्टर या शार्क प्रो मॉडल टॉप ऑफ द लाइन मैनुअल वेरिएंट। देखेंगे गाड़ी में क्या क्या क्वालिटीज ऐसे मिलते हैं जो ये गाड़ी के ऊपर आपको आने पे मजबूर करता है। सबसे पहले प्राइस पॉइंट की बात करूँ, ये आपको 21 लाख एक शोरूम प्राइस देखने को मिलती है। ऑन रोड की मैं बात करूँ इसमें आपको 25 लाख तक का ऑन रोड पड़ जाता है। गाड़ी में सबसे पहले आपको दो इंजन ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो कि आपको टाटा की कोई भी गाड़ी में नहीं मिलेगा, एक ही इंजन मिलेगा। सबसे पहले गाड़ी में पेट्रोल वेरियंट मिलता है, डीजल वेरिएंट मिलता है। पेट्रोल में आपको 1.5 लीटर का इंजन मिलेगा, डीजल में आपको 2.0 लीटर का इंजन मिलेगा। और ऑप्शंस की बात करूँ तो गाड़ी में आपको 5 सीटर के साथ साथ 7 सीटर का भी ऑप्शन मिलता है, जैसे ये गाड़ी कॉम्पीट करती है टाटा हैरियर को भी एज वेल एज टाटा सफारी को भी। भाई साहब आप देखो जितनी भी 14-15 लाख 20 लाख 25 लाख गाड़ी खर्चा कर लो लेकिन आपको इसमें लैपटॉप किसी भी गाड़ी में नहीं मिलेगा, इसमें आपको लैपटॉप भी मिलता है भाई। वो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए तो सबसे पहले गाड़ी की फ्रंट लुक की बात करें, यहाँ पे आपको बड़ा सा ग्रिल मिलता है, ये आप देख सकते हैं जो कि क्रोम फिनिशिंग से भरा हुआ है। और गाड़ी में आपको 360 कैमरा मिल जाता है भाई साहब, ये अपना ऑटोमेटिक वेरिएंट नहीं है जिसमें आपको एडास नहीं मिलेगा, बाकी आप ऑटोमेटिक में जाते हैं तो उसमें आपको एडास भी मिलता है जिसका कैमरा वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, लेवल 2 एडास रडार भी इसमें आपको मिलता है। ठीक, रेन सेंसिंग वाइपर के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या सेंसर दिया गया है, ब्लेडलेस वाइपर प्रॉपर मिलते हैं आपको। डुअल टोन में क्या चमचमा रही है, वाइट कलर मेरा फेवरेट है लेकिन डुअल टोन में देखने के बाद ना मज़ा आ जाता है। ठीक, गाड़ी में आपको डायमंड कट प्रॉपर अलॉय व्हील मिलने वाले हैं 215/55R18। ठीक है, ये चीज़ मेरे को थोड़ा सा लगा कि अगर टाटा हैरियर ब्लैक एडिशन लेता हूँ तो उसमें आपको 19 इंच के मिलेंगे, खैर यार इतना मेजर डिफरेंस नहीं है, 18-19 की बात है। ठीक, गाड़ी में ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस में आपको 192 mm के ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाते हैं गाड़ी में प्रॉपर। यहाँ पे अगर मोटर की साइड राइट और लेफ्ट साइड हो जाएगी उसमें आपको प्रॉपर मॉरिस कैरिज की पैकिंग आपको मिल जाती है 192, जिसमें आपको बता ग्राउंड क्लियरेंस में आपको मिलता है, बॉडी आर क्लैडिंग भी मिल जाता है, आप देख सकते हैं इसमें आपको प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं, उतने चौड़े नहीं है लेकिन गाड़ी के साथ जो मैच कर रहे हैं ना डुअल टोन में बहुत ही बढ़िया निकल के आ रहा है। जैसे कि आप जान रहे हैं गाड़ी के पास अपन जाएंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाती है। एक चीज़ और, जैसे कि आप देखेंगे कि अदर ब्रांड्स की गाड़ियों में कैमरा को प्रॉपर बाहर निकाला जाता है, ग्रैंड विटारा की मैं बात कर लेता हूँ एक सपोज एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे आप देखें कैमरा प्रॉपर फिट हुआ है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि 360 कैमरा अलग से निकला हुआ है। ठीक, डोर हैंडल्स में आप देख सकें छोटे छोटे क्रोम फिनिशिंग दिए गए हैं, आपका रिफ्लेक्शन सब प्रॉपर मिल जाता है, ऐसा ओवर व्हील खोल गया है। रूफ रेल्स आप देख सकते हैं प्रॉपर पूरा सिल्वर फिनिशिंग में दिया गया है। रियर में आते ही ना भाई ये जो जगमगाता है ना कनेक्टेड टेल लैंप्स, बहुत ही मजा आ जाता है एमजी के लोगों के साथ। प्रॉपर वाइपर डिफॉगर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, क्या स्पॉइलर शार्क फिन एंटीना भी प्रोवाइड किया गया। अरे भाई साहब आप क्यों बंद हो गए, रुको हाँ आप जलते रहिए। ठीक, हेक्टर की बैजिंग देख रहे हो यार क्या मस्त लग रहा है, बूट खोले चलिए आइए। ये सब अपना बूट ओपन हुआ, प्रॉपर यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है, क्रोम फिनिशिंग जो है आपको बढ़िया सा उसमें आपको देखने को मिलता है। गाड़ी में आपको प्रॉपर 587 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है, ये आपको पार्सल ट्रे टाइप से आप बना सकते हैं, यहाँ पे आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, निकालना निकाल सकते हैं, आपको हैरियर में भी आपको मिल जाता है गाड़ी में। इसमें आपको वूफर का सेटअप मिल जाता है प्रॉपर, एम्पलीफायर भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है भाई। स्पेस आप देख सकते हैं, आपको छोटा मोटा कुछ सामान भी रखना है यहाँ पे आप इजिली रख सकते हैं। स्पेयर व्हील आपको गाड़ी के नीचे मिलता है। ठीक, ये नाइट लैंप आप प्रॉपर व्हाइट कलर का मिल जाता है भाई, गाड़ी में हर एक जगह एलईडी लाइट का यूज किया गया, कोई भी हेलोजन सेटअप नहीं मिलता। इसको कर देते हैं बंद, ये आपका इमरजेंसी एग्जिट के लिए। ठीक, इसको करते हैं बंद, अब ये हो चुका भाई अब बंद, चलो बाय बाय। ठीक है, अब आता है गाड़ी के फ्यूल टैंक पे, फ्यूल टैंक की और जैसे आता हूँ भाई गाड़ी में आपको 60 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है यार, मतलब कि आप देख सकते हैं इतना बड़ा फ्यूल टैंक है। ये होता है गाड़ी का एक्सटीरियर,
अब आते हैं गाड़ी के इंटीरियर पे। जो लैपटॉप मिलता था ना भाई, जो आपको लैपटॉप मिलता ना, वो आपको मैं लैपटॉप दिखाने जा रहा हूँ क्या काम करता है, आइए। अच्छा भाई, इंटीरियर में बैठने के बाद ना क्या इंटीरियर कलर आया यार, ब्लैक और बेज कलर में इंटीरियर आप देख सकते हैं, सॉफ्ट टच प्रॉपर मिल जाता है इसमें आपको। और क्या बोलते हैं, लॉक एंड लॉक में, लॉक और अनलॉक में यहाँ पे आपको लाइटिंग दिया है, पियानो ब्लैक फिनिशिंग में इन्फिनिटी के स्पीकर के साथ उसका बैजिंग आपको मिल जाता है। इसमें आपको 8 स्पीकर और 2 ट्विटर के इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है विथ वूफर, देख सकते हैं ऐसा कुछ दिया है। बॉटल होल्डर प्रॉपर इस तरीके से आपको मिल जाती है। ठीक, गाड़ी की स्टेयरिंग व्हील की मैं बात करता हूँ, आपको प्रॉपर मिलेगा डी कट में, क्रूज कंट्रोल, मीडिया के कंट्रोल्स और वॉइस कमांडेड कंट्रोल्स के साथ इसमें आपको मिलेंगे। बूट यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, हेडलैम्प के लेवलिंग कंट्रोल्स, ये ORVM के कंट्रोल्स प्रॉपर प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक, यहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिल जाता है। यहाँ पे आपको 10 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है भाई साहब गाड़ी में। गाड़ी में आपको दोनों वेंटिलेटेड सीट्स प्रॉपर फ्रंट के और इलेक्ट्रिक सीट्स मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं दोनों ड्राइवर एज वेल एज को ड्राइवर। मॉरिस गैरेज की वेलकम प्लेट यहाँ पे आपको मिल जाती है गाड़ी में। ठीक भाई, गाड़ी में स्पेस है ना भर भर के मिल जाता है। गाड़ी को अपन चालू कर चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर 14 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है भाई साहब, हर एक चीज आपका ये बात मानेगा। हेलो MG, हेलो MG, ओपन द सनरूफ। देखिए गाइस, ये ऐसा बात मानता है। यहाँ पे आपको भाई पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप मिलने वाला है, AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स इसमें आपको मिलेगा प्रॉपर शो करता हुआ। ये आपका आउटसाइड टेम्परेचर वगैरह इसमें आपको पूरा मिल जाएगा भाई। JioSaavn का इसमें आपको क्या ऐप मिलता है प्रॉपर इनबिल्ट, आप देख सकते हैं 4G नेटवर्क के साथ सिम विम पूरा इसमें आपको इनबिल्ट मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेदर सॉफ्ट टच इसमें आपको मिलेगा। गाड़ी में आपको टोटल 6 एयरबैग मिलेंगे स्टैंडर्ड और 8 एयरबैग का भी साइड कर्टन्स के साथ इसमें आपको ऑप्शन मिलता है। ठीक, क्रोम फिनिशिंग के साथ और पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ प्रॉपर डैशबोर्ड निकल के आता है। ग्लव बॉक्स की और बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डिसेंट साइज का ग्लव बॉक्स मिलता है। ठीक है, कूल्ड है, हाँ जी, इसमें आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाते हैं गाड़ी में। ठीक है, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें आपको मिलता है, वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल्स, ट्रैक्शन ऑन ऑफ के बटन यहाँ पे आपको दिए गए हैं और AC के कंट्रोल्स इसी में आपको प्रॉपर मिल जाते हैं। वायरलेस चार्जिंग का यहाँ पे आप ऑप्शन दिया गया है। ठीक, USB सॉकेट जो है यहाँ पे आपको रियर में मिलते हैं। और दिखाऊं तो अगर आपको यहाँ पे पार्किंग सेंसर का यहाँ पे आपको ऑन ऑफ बटन दिया गया है। एम्बिएंट लाइट देखना गाड़ी में भाई साहब, आप देख सकते हैं पूरा गाड़ी जो है जगमगा जाता है एम्बिएंट लाइट चालू होने के बाद। आप देख सकते हैं ये पूरा बार वाला फीलिंग आता है। आपका फोल्डर देखिए, हैंड ब्रेक के बाजू में इतना स्पेस है। आर्मरेस्ट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि डिसेंट साइज का स्पेस देकर 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट इसमें भी आपको मिल जाता है गाड़ी में। ठीक, हर सेकंड्स में आपको ये एम्बिएंट लाइट जो है चेंज होते रहता है। ठीक, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सब कुछ काम करता है प्रॉपर तरीके से। का ऑटोमेटिक IRVM यहाँ पे आपको सन प्रोटेक्टर में आपको वैनिटी मिरर के साथ मिलता है, दोनों साइड मिलता है लाइटिंग के साथ भाई, जगह जगह आपको LED सेटअप ही मिलता है। ठीक, अब चलते हैं गाड़ी के रियर की ओर। थोड़ा सा मैं बता दूँ, ऑटोमेटिक हेडलैम्प और ऑटोमेटिक वाइपर का सेटअप दिया गया। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे आपको प्रॉपर ऐसा कुछ मिल जाती है भाई। AC जो है प्रॉपर चिल्ड कर दिया गाड़ी का माहौल और ऐसा कुछ है। और अपन गर्म करते हैं गाड़ी के फीचर्स बता के भाई साहब। स्पेस का मजा लेना है ना यार, MG हेक्टर ले लो, आप सुखी रहोगे, इतना स्पेस है। देख रहे हो आप, लेग रूम इजीली, अंडर थाई सपोर्ट भी मिलेगा यहाँ पे। आप बड़े एडल्ट को भी मिला के आप इजीली अगर एडजस्ट होना तो 4 जन आराम से बैठ सकते हो। रियर के AC वेंट्स और USB सॉकेट दिया गया है, फोन ओन रखने के लिए स्पेस प्रॉपर मिल जाती है। पैनोरमिक का व्यू मिलेगा आपको, लाइटिंग्स है यहाँ पे मिलेगा, एयरबैग की बैजिंग आपको यहाँ प्रॉपर मिल जाएगी तरीके से देख सकते हैं। बूट वगैरह एक्सेस यहाँ से भी आप कर सकते हैं प्रॉपर। 3-3 हेडरेस्ट मिलते हैं, आर्मरेस्ट मिलते हैं, कप होल्डर मिल जाता है इसमें आपको। कम्फर्ट की वजह से कोई भी दिक्कत नहीं है गाड़ी में, यहाँ पे आपको लेदर सॉफ्ट टच इसमें आपको मिल जाता है गाड़ी में। ठीक, जगह जगह। अब चलते हैं गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशंस में। ठीक है भाई, जैसे कि आपको बताया था इसमें आपको टर्बो इंजन मिल जाता है। और यार फिट एंड फिनिशिंग ना इंजन का अभी तक कोई भी गाड़ी में मैं इतना नहीं देखा था। जगह जगह आपको प्रॉपर कवर किया गया, आप देख सकते हैं प्रॉपर डीजल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 161 BHP और 350 Nm का टॉर्क। पेट्रोल की बात करूँ 141 BHP और 250 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करके देखता है 1.5 लीटर का। एवरेज की बात करूँ इसमें आपको गाड़ी का कंपनी क्लेम करती है 15 का और पेट्रोल में आप जाते हो तो 12 का कुछ क्लेम करती है। बाकी आपके चलाने के ऊपर गाड़ी एवरेज प्रोवाइड करता है। और होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। गाड़ी कैसी लगी बताना, फीचर जो है इसमें आपको मिल जाते हैं भाई, मेरे को वर्थ इट लगी एक्चुअल में। और चलाने के मामले में और स्पेस के मामले में एक्चुअल में कंप्लीट करती है। होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।